तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सेना के हेलीपैड जोशीमठ पर उतरा है, तो अधिकारियों से जोशीमठ आपदा की बैठक लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे सीएम, साथ ही जोशीमठ में रात्रि प्रवास करेंगे सीएम धामी। भूदशाप की हर एक घटना का जायजा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपको जोशीमठ से बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे हैं और आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही अधिकारियों से जोशीमठ आपदा की बारे में जानकारी लेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे। तो सबसे पहले प्रभावितों को शिफ्ट करना प्राथमिकता है, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है। एक एक परिवार को सुरक्षित किया जाएगा, साथ ही इस वक्त पहला फोकस मात्र जोशीमठ है, ऐसा कहना सीएम पुष्कर सिंह धामी का है। सरकार हर पल जोशीमठ के लोगों के लिए कार्यरत है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वयं जोशीमठ पहुंचे हैं और वहां आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे, साथ ही अधिकारियों से बैठक कर हालातों पर चर्चा करेंगे और हालातों की जानकारी लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे हैं और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज कंडारी जुड़ चुके हैं। नीरज, सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वयं जोशीमठ पहुंचे हैं, किस तरह से वो अधिकारियों से चर्चा करेंगे, साथ ही जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनके बीच भी जाएंगे पुष्कर सिंह धामी? जी उदय, देखिए जिस तरह से लगातार जोशीमठ भूदशाओं क्षेत्र दिन प्रतिदिन बता जा रहा है, तमाम मकानों में दरारें पड़ रही हैं। आज की मैं अगर बात करूं तो 700 से कुछ अधिक मकानों का ये यहाँ पे दरारें पड़ चुके हैं, जिसको लेकर तमाम शासन प्रशासन के लोग यहाँ पे अलर्ट हैं। लेकिन वहीं उत्तराखंड की बात करो तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी कुछ देर पहले जोशीमठ पहुंचे हैं। वहाँ पे आज वो कुछ ही देर बाद जो अधिकारी हैं, अधिकारियों की यहाँ पे समीक्षा बैठक लेंगे और प्रभावितों से भी यहाँ पे मुलाकात करेंगे, क्योंकि जोशीमठ में कुछ विकट परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं। जो मालिक हैं, जो होटलों के मालिक हैं, जो घरों के मालिक हैं, उनकी तमाम राय यहाँ पे उपज रही है। कोई बद्रीनाथ तर्ज पे अपना स्थानांतरण चाहता है, कोई अलग अलग यहाँ पे मांगे, तो उसको लेकर आज प्रभावितों से भी यहाँ पे सीएम मुलाकात करेंगे और प्रयास ये रहेंगे कि कुछ न कुछ कुछ नया नतीजा निकले, ताकि जो जोशीमठ में लगातार ये भूदशाव बढ़ता जा रहा है, लोग यहाँ कैंपों में रह रहे हैं, उसका भी यहाँ पे निवारण हो सके। नीरज, अगर देखें तो फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति है जोशीमठ में, और हमने ये भी देखा है कि जो प्रशासन की तरफ से जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनके लिए जिस तरह के व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था को लेकर भी हमने देखा है कि लोगों में खासा नाराजगी नजर आ रही है। जी उदय, बिल्कुल, देखिए अभी तक की मैं बात करूँ, 700 कुछ जो घर है उन पे असुरक्षित उनको घोषित कर दिया गया है। वहीं एक तो कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया गया है। हालांकि जिला प्रशासन में लगातार व्यवस्थाएं मुस्तैद करने की बात कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ ग्रामीण ऐसे हैं कि क्योंकि आज हम दिन की बात करें तो क्योंकि जी जब ग्राउंड पे हम लोग यहाँ पे गए तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो हमारे चाहे विधायक हो चाहे मंत्रीगण हो, वो खाली हवाई सर्वे जो सीमट का कर रहे हैं, जो ग्राउंड पे नहीं आ रहे हैं। ग्राउंड की हकीकत उनको अभी पता नहीं है और कहीं कई खामियां यहाँ पे निकाली जा रही हैं। जी रहे नीरज, हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी है लोगों की रोते बिलखते, जो कई सालों से अपने जमा पूंजी इकट्ठा करके उन्होंने अपने घर बनाए हैं और कई पीढ़ियां उनकी उन घरों में गुजरी है। ऐसे में जब उन लोगों को उस जगह से हटाया जा रहा है तो लोगों का क्या कुछ कहना है? जी उदय, बिल्कुल आपने सही सवाल ये पूछा है, क्योंकि ये कल का मामला है जब जो होटल दो होटल थे यहाँ पे उनका ध्वस्तीकरण होना था, लेकिन वहाँ पे विरोध जनता का सामने आया है। उनका कहना है कि बिना नोटिस दिए हुए, बिना जानकारी दिए हुए, बिना किसी मुआवजा के ही हमें ये होटल ध्वस्तीकरण हो रहे हैं, उसको लेकर भी तमाम यहाँ पे जो शासन प्रशासन है उसको भी विरोध झेलना पड़ रहा है। और वहीं तमाम जो भवन है, भवन के मालिक है, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि सरकार हमें एक दिशा निर्देश दे, चाहे उनको उनको जो मकान है उनकी धनराशि दी जाए या जमीन उनको दी जाए, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों में इस बात को भी देखकर बड़ी नाराजगी दिख जा रही है। जी रहे नीरज, अगर बात करें तो इस पूरे मामले में आपदा प्रबंधन टीम, भूगर्भ वैज्ञानिक जो हैं उनका क्या कुछ कहना है? इसके अलावा जो फिलहाल जोशीमठ में जो निर्माण कार्य चल रहे थे प्रशासन की तरफ से, उनको भी बंद कर दिया गया है?
एनटीपीसी को जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी एनटीपीसी की मानी जा रही है, तो सरकार के तरफ से तो आदेश तो जारी कर दिया है कि एनटीपीसी का कार्य बंद किया जाए, जो बाईपास सड़क है उसका कार्य बंद किया जाए, जो रोपवे है रोपवे बंद किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आज की जो तस्वीरें हैं, आज की सुबह की तस्वीरें जो देखी है, तो कहीं ना कहीं एनटीपीसी अभी भी जो सीमेंट में कार्य कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल निशान सरकार पर भी खड़ा होता है। वहीं आपदा प्रबंधन की मैं बात करूँ तो आपदा प्रबंधन भी लगातार मॉनिटरिंग करता आ रहा है, जो भवन असुरक्षित है उनकी उनको भी रिकॉर्ड कर रहा है, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो एनटीपीसी पे बिल्कुल बड़ा सवाल स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पे खड़े उठते नजर आ रहे हैं। नीरज, आपसे अंतिम सवाल है, जो भी प्रभावित परिवार है, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में प्रभावित लोग हैं, ऐसे में उनकी सरकार से क्या अपेक्षा है, वो क्या कुछ मांग कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने घर को खोया है, कई जमा पूंजी जो है जिससे उनका नुकसान हुआ है, ऐसे में वो जो है सरकार से क्या कुछ मांग कर रहे हैं। जी राय, बिल्कुल देखिए, जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं, मैं बात कर रहा था 723 से अधिक यहाँ पे परिवार हैं जिनको असुरक्षित घोषित किया गया है, उन लोगों का साफ तौर पर पहले तो ये कह रहे हैं कि जो एनटीपीसी ने 10 साल पहले इन लोगों के मकानों का बीमा करने की बात कही थी, लेकिन आज तक भी वो मुआवजा उन लोगों को बीमा नहीं हो पाया है। वही दूसरी बात, इन लोगों का कहना है कि जो बद्रीनाथ की तर्ज पे जो जमीन का सर्किल रेट है वो उनको दिया जाए, और वही तीसरी बात ऐसे निकल कर आ रही है कि जो होटल स्वामी है उनका कहना है कि हमें पीपल कोटी में जगह दी जाए, जो कुछ जोशीमठ के स्थानीय नागरिक है उनका ये भी मानना है कि यह न्यू जोशीमठ, न्यू टीरी के तर्ज पे न्यू जोशीमठ का यहाँ पे सरकार निर्माण करे। जी नीरज, धन्यवाद आपका इस पर अधिक जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे हैं और आपदा प्रबंधन के साथ ही अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, साथ ही आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी।